हमारा एक सक्षम 2021 एक मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का एक सक्षम करके प्रोग्राम चालू है 16 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक, जिसमें हम लोग ऑयल और गैस को बचाने के तरीके के बारे में एक महीना उसके बारे में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑयल एंड गैस के जितनी भी कंपनीज हैं, सरकारी होने दो या प्राइवेट होने दो, एक महीना तक हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो पेट्रोल डीजल या फिर एलपीजी गैस है, उनको कैसे कैसे हम लोग उनका वेस्टेज कम कर सकते हैं, कैसे ग्राहकों को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, इसके बारे में एक महीने का अभियान है जिसका नाम है सक्षम 2021, जो कि 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा, जो कि हर एक भारत के हर एक जिला में मनाया जाएगा, हर एक तहसील में मनाया जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ रायगढ़ में भी इसकी शुरुआत आज से करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो इनॉग्रेशन फंक्शन था वो 16 जनवरी को मुंबई में ऑलरेडी यशवंत राव चौहान ऑटोरियम में ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर साहब थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा ये हमारा मैक्सिमम ये प्रोग्राम यूट्यूब और हमारी जो जितनी दूसरी सोशल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर ये प्रसारित किया जाएगा। इस महीने के दौरान हम लोग डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे, जैसे स्कूल कॉलेज में जाके हम लोग ऐसे कंपटीशन करेंगे, पेंटिंग कंपटीशन करेंगे, जिसका जिला वाइज, स्टेट वाइज और बाद में राष्ट्रीय स्तर पे उनका विजेता बच्चे घोषित किए जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर हमने मिनिस्ट्री की तरफ से जो बच्चे ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, महाराष्ट्र में भी शायद एक या दो रैंक महाराष्ट्र में आया था उसमें, उनको उन बच्चों को सिंगापुर में स्टडी टूर के लिए और साथ में लैपटॉप वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा दिया गया था। इसमें हम लोग जो स्कूल कॉलेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों पे ईंधन को बचाने के तरीके, टेक्निकल मीटिंग्स करेंगे, मैकेनिक जो हमारे मैकेनिक होते हैं मैकेनिक के बाद वर्कशॉप पे जाके हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे, क्लब सोसाइटीज़ और जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं उसमें हम लोग कैसे एलपीजी की सेफ्टी रख सकते हैं, कैसे एलपीजी को घर में बचा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग एक्टिविटी करेंगे। टीवी में इसमें और रेडियो में इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और कैसे गाड़ी को चलाना है और अच्छी माइलेज हमें मिलनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे और उसके बारे में भी कंपटीशन करेंगे। 2013 से हम लोगों ने जो 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का जो महीना है इसको हमने सक्षम के महीना रखा हुआ है। फोकस एक्टिविटी बाकी टाइम तो करेंगे ही, पर इस टाइम जो फोकस एक्टिविटी है वो इसके बारे में ही करेंगे। मतलब जी कुमार, ये आपने कहा कि 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक एक महीने तक का प्रोग्राम चलेगा जी। आज आपकी तारीख हो गई 23 जी, तो आपने 15 दिन तो इस रायगढ़ जिले का खत्म कर दिया, तो फिर आज से अगर आपका अभियान की शुरुआत हो रही है तो एक महीने के बजाय सिर्फ आपका 15 दिन अभियान चलेगा, इसका मतलब 18 दिन चलेगा? ऐसा नहीं है, शुरुआत हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बट जो प्रेस मीट था वो डिले हुआ है। वो पहले 16 तारीख को स्टेट लेवल का मुंबई में हुआ, बाकी जो कोरोना वगैरह के चक्कर में हम लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन नहीं होने के कारण आज हमने फिजिकली किया है। एक्टिविटीज़ ऑलरेडी चालू हैं, एसेज वगैरह का जो एक्टिविटीज़ है, स्कूल वगैरह है, वो भी हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो अब तक कितने पेट्रोल पंप, कितने गैस एजेंसीज और कितने सोसाइटी और क्लब में आपके अभियान चले हैं जागरूकता? अभी हमारे रायगढ़ जिला में 200 पेट्रोल पंप है और हमारे रायगढ़ जिला में 50 से 55 गैस एजेंसीज हैं। तो हम लोग 200 पेट्रोल पंप पे हम लोग ईंधन बचाव के कार्यक्रम रायगढ़ जिला में कर रहे हैं। इसमें हमारे सरकारी पेट्रोल पंप भी हैं और इसमें प्राइवेट जो रिलायंस और एसआर के पेट्रोल पंप हैं, नायरा करके जो बोलते हैं उनको, उनके पेट्रोल पंप भी हैं। स्टूडेंट को आप उसमें ये सहभागी करने वाले जी, उसका क्या प्रोसेस कैसा है? स्टूडेंट का जो मेनली जो ऐसे कंपटीशंस वगैरह हैं उनका डिटेल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसका जो डिटेल है कैसे कैसे वो हम लोग स्कूल के साथ शेयर करते हैं। जिस भी स्कूल में हम लोग ऐसे कंपटीशन या पेंटिंग कंपटीशन करते हैं उनको हम लोग पहले बताते हैं इनरोलमेंट के लिए। अगर वैसे आपको चाहिए तो हम लोग आपको ईमेल पे वो दे सकते हैं।
आपका जो पर्पज है वो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए जी, लेकिन अगर अधिकांश पेट्रोल पंपों पर देखेंगे और या व्हीकल ओनर से आप पूछेंगे तो हमेशा ये एक शिकायत रहती है कि जो ईंधन है उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, उसमें मिलावट होती है जिसके वजह से ज्यादा ईंधन खर्च होता है। तो आप पेट्रोल पंप पे जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कंज्यूमर से किस तरह से आप फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर आपको क्या शिकायत है, क्या वाकई किन कारणों से ज्यादा एनर्जी खर्च होती है या क्वालिटी के कारण कुछ होती है, तो क्वालिटी को लेकर बेसिकली किस तरह की प्लानिंग है आपको उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए? आपने इसमें दो सवाल पूछे कि आप अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं नंबर वन, और दूसरा क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए क्या होता है। तो आपको जो पार्ट वन है, पार्ट वन में हमारा जो रेगुलर एक्सरसाइज ये रहता है कि हम लोग जो भी टच पॉइंट्स हैं, कस्टमर टच पॉइंट, जैसे कि आपका सोसाइटीज़ हैं या ड्राइवर का जो पार्किंग लॉट्स हैं जहाँ पे ट्रक ड्राइवर खड़े होते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग रेगुलर ड्राइवर हेल्थ चेकअप या ड्राइवर के लिए अवेयरनेस कैंप हम लोग थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा इस एक्टिविटी को इस बार हम लोग ज़्यादा उसमें करेंगे, और रेगुलरली हम लोग पूरे जगह जा जा के जो भी टच पॉइंट है, मान लीजिए APMC का मार्केट है, पनवेल APMC का मार्केट है, वो ट्रक कहाँ खड़े होते हैं, या सोसाइटीज़ में जाके हम लोग करते हैं, वैसे हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है क्वालिटी के बारे में और क्वांटिटी के बारे में, अवेयरनेस का मतलब यही नहीं है कि आपको पेट्रोल या डीजल कैसे बचाना है, बट जो आपने क्वालिटी के बारे में पूछा, ठीक है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। हम लोग रेगुलरली हम लोग इसके बारे में बताते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने के लिए जो कस्टमर को पता होना चाहिए, जो पेट्रोल पंप पे जो दो तीन टेस्ट हैं वो हम लोग हमेशा कस्टमर को बोलते हैं कि आप उसको कीजिए। सबसे पहले है क्वालिटी चेक करने के लिए डेंसिटी टेस्ट। डेंसिटी टेस्ट जो है वो पेट्रोल डीजल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसमें जो मॉर्निंग में अगर डीलर ने डेंसिटी लिखा है पेट्रोल का, मान लीजिए 730, और आपने चेक किया और आपको अगर वो डेंसिटी आपको वो डेंसिटी तीन पॉइंट आगे, तीन प्लस माइनस थ्री पॉइंट तक आपका परमिशन लिमिट है, उसके आगे पीछे अगर मिलता है तो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर कि वहाँ पे एडल्ट्रेशन है। अगर मान लीजिए पेट्रोल का डेंसिटी 730 है और आपको वहाँ पे 735 मिलता है, आप जब चेक किए दोपहर को, तो उसमें 5 पॉइंट का फर्क आ गया, 735 माइनस 730, तो 5 पॉइंट का फर्क आ गया, तो देर इज़ अ चांसेस कि वहाँ पे एडल्ट्रेशन है। दैट इज़ द फर्स्ट वी कैन चेक पेट्रोल और डीजल दोनों को उसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल को चेक करने के लिए एक फिल्टर पेपर टेस्ट भी होता है, जहाँ फिल्टर पेपर जो गोल कलर का एक वाइट कलर का फिल्टर पेपर होता है, उसमें हम लोग अगर एक थीम जो महाराष्ट्र थीम बोलते हैं या बूंद डालें या ड्रॉप डालें, और अगर वो एक दो मिनट के बाद अगर वो पूरा पहले की तरह अगर हो जाता है तो ये वो शो करता है कि एडल्ट्रेशन उसमें नहीं है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए आप प्लीज़ डेंसिटी के ऊपर आप ज़्यादा कीजिए। अगर कुछ भी एडल्ट्रेशन प्रोडक्ट में होता है तो उसका डेंसिटी वेरी करेगा। अगर मॉर्निंग में उसने 720 या 740 की डेंसिटी लिखा होगा, अगर उसने एडल्ट्रेशन उसमें कुछ लगाया होगा तो वो डेंसिटी वेरी करेगा। आपको फर्स्ट इंडिकेटर है वहाँ पे पेट्रोल पंप पे हर एक सेल्स अधिकारी का, इंडियन ऑयल होने दो, भारत पेट्रोलियम होने दो, HPCL होने दो, सबका सेल्स अधिकारी का अपना पर्सनल मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा है, पर्सनल ईमेल आईडी लिखी है, डीलर का नाम भी लिखा है और ईमेल आईडी भी लिखी है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरे को शक है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या इस अभियान में आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं? इसमें ये जो अभियान है, ये सक्षम अभियान, ये मेनली कंजर्वेशन पे आधारित है। जो मिसयूज जो हो रहा है, मिसयूज मतलब आपको समझाता हूँ, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये है कि जितना भी ऑयल है हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं, 80% ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया के पास 20% ही सोर्सेज हैं जो इंडिया के अपने हैं, भारत के अपने हैं। तो 80% अगर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे फॉरेक्स पे उसका पड़ता है, मतलब असर पड़ता है। हमें ज़्यादा पैसा बाहर की कंट्रीज़ में पे करना पड़ता है, उनकी करेंसीज में पे करना पड़ता है, हमारा रुपया कमज़ोर हुआ, उनका डॉलर मजबूत हुआ, तो हमें ज़्यादा फॉरेक्स पे करना पड़ता है। तो 80% जिस चीज़ की हमारी अगर डिपेंडेंसी है, उस चीज़ को अगर हमने ऑलरेडी खरीद लिया है और उसको कैसे कंजर्व होके हम लोग उसको यूज़ करें, इसके पीछे ये है सर। बाकी जो आप पूछ रहे हैं क्वालिटी और क्वांटिटी, वेट एंड मेजर तो मेनली क्वांटिटी के बारे में हो गया कि आप जो मात्रा मिल रही है कस्टमर को वो बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो इस अभियान में अभी तक इस अभियान में तो नहीं होगा। इस अभियान में मेनली हम लोग कंजर्वेशन पे ध्यान देंगे, जैसे कि
अगर आपको मैं बेसिक अगर बताऊं आपको तो सिग्नल पे हम लोग अगर 90 सेकंड का सिग्नल है या 150 सेकंड का सिग्नल है तो हम गाड़ी ऑन रखते हैं, अगर हम गाड़ी बंद करेंगे तो हम लोग करेंगे। अगर हम लोग कांच को ओपन रख के गाड़ी चलाएंगे तो उसमें ट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। ट्रैक्शन मतलब अगर अगेंस्ट द विंड गाड़ी जाएगा तो गाड़ी में ज़्यादा दबाव पड़ेगा, हवा का दबाव पड़ेगा तो आपका माइलेज। तीसरा, टायर में जो हवा है, अगर टायर की हवा ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपके टायर की हवा कम है तो टायर ज़्यादा फैल जाता है, ज़मीन से ज़्यादा लगता है तो ज़्यादा जोर लगता है, अगर कम है तो कम जोर लगता है, आपको कम पावर मिलती है। कम अगर हवा है उसमें, अगर ज़्यादा हवा है तो ऊपर उठ जाएगा, उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो टायर की हवा बिल्कुल सही होनी चाहिए, रेगुलरली आपको टायर की हवा बिल्कुल जो आपके मैन्युफैक्चरर ने दी है वही उसमें होनी चाहिए। ये सब डिफरेंट डिफरेंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे घर में हम लोग एलपीजी यूज़ करते हैं तो ढक्कन का यूज़ नहीं करते, बिना ढक्कन के उसको उबालते हैं तो उसका ज़्यादा खपत होती है। तो मिसयूज़ को बचाने के लिए और आपके पॉकेट को भी थोड़ा सा सहारा देने के लिए ये हम लोग कंजर्वेशन का काम करते हैं। रायगढ़ में कुल कितने लोगों को लगाया गया है इस अभियान में जागरूकता के लिए, आपकी सभी कंपनियों की तरफ से, पर्टिकुलर आप डिस्ट्रिक्ट के कन्वेनर हैं जी, तो कितने लोगों को इस अभियान में लगाया आपने जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोल पंपों में? रायगढ़ में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनको अवेयरनेस का एक एक प्रोग्राम हर एक पेट्रोल पंप को करना है। अगर मान लीजिए 200 पेट्रोल पंप हैं या 150 पेट्रोल पंप सरकारी कंपनी पे, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर एक पंप को करना है, नंबर वन। उसके अलावा 24 ऐसे कंपटीशन हमें स्कूल में करने हैं, 8 HPCL को करने हैं, 8 BPCL को करने हैं, 8 IUCL को करने हैं, 24 ऐसे कंपटीशन इन स्कूल रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नहीं सर, लोकल को नहीं किया, एक्चुअली इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि पत्रकार परिषद जो है जिला वाइज उनको जाके ये करना था, तो हमें कल ही इंटीमेशन आया एक्चुअली कि फिजिकली मिलना है, हमने कल से ही आपको बुलाया। सर कितने साल से हो रहा है सक्षम ये उपक्रम है? ये 2013 से तो चालू है, 2013 जब से नए मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर आए हैं 2013 से, मेरी जानकारी से 2013 से ये चालू है। ये जो इंस्ट्रक्शन जो आप बोले टेस्टिंग के, प्योरिटी के, उसका बॉयल डेटर में लिखना मैंडेटरी है ना पेट्रोल पंप पे या गैस स्टेशन? फिर कोई भी पेट्रोल पंप पे वो मैंडेटरी होते हुए भी लगा ही नहीं है रूल्स, तो उसके ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? चेक एंड फिल का जो मेजर्स आप बता रहे हैं, चेक एंड फिल या क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में, वो हर एक पंप पे कांच पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको उसका डायग्राम होगा। अगर नहीं है तो आप मेरे को बता दीजिएगा। वैसे वहाँ पे एक्सप्लोजिव लाइसेंस, सेल्स ऑफिसर का फ़ोन नंबर और नीचे एक ऐसे आप देखोगे तो ऐसे फ्लास्क जैसा आपको दिखेगा। टेस्टिंग का मैं बोल रहा हूं। जी वही जो मैंने आपको जो बर्बली बोल रहा हूँ ना, वो लेटर में चाहिए, ऐसा कानून से छोटे से लेटर में लिख के रखेंगे वो गलत है ना, वो मैटर थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसलिए पेट्रोल पंप के ऑफिस एक तो कभी कभी पंप अलग जगह रहते हैं और ऑफिस अलग रहते हैं, आदमी पेट्रोल भर के चला जाता है, वो दिखाई नहीं देते ना। बराबर है। जब 2001 में ज्यादा इस पे ड्राइव का काम चालू हुआ था तो बहुत सारे होर्डिंग्स इस पे लगे थे, जो आप बोल रहे हैं ना कि 5 लीटर चेक करो या ये चेक करो, जियो देखो, होर्डिंग्स लगे थे, आपकी बात सही है, फिर भी आपका सजेशन हम लोग करेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। सर आपको कुछ इस तरह का चैलेंज इसमें दिख रहा है, कोई कंप्लेंट्स आई है अभी तक 15 डेज में जो आपने अभी 10 दिनों में, कोई आपके पास ऐसी कंप्लेंट आई है ऑब्जर्वेशन में? रिगार्डिंग कंप्लेंट्स, रिगार्डिंग इस सर्विसेज के बारे में, जिस तरह का अभियान आपका है जिसको करेक्ट करने के लिए आप अभियान ये चला रहे हैं, क्या उसके संदर्भ में देखिए कंप्लेंट या कोई चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिली है? इसमें जो अभी तक जो प्रोग्राम हुए हैं पिछले साल के, इसमें सब कस्टमर ने हमें अप्रिशिएट ही किया है, बट जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं और जो एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क है ये मैं मानता हूँ, बट हमारा काम है, जितनी जानकारी है वो हम लोग एक ड्राइव्स के थ्रू आपके थ्रू हम लोग बताएंगे। चैलेंजेस कुछ नहीं है, हमें हर एक आदमी ने अप्रिशिएट ही किया इसमें, तो चैलेंजेस तो कुछ है नहीं इसमें। फिर भी जो रेगुलर जो हमारा वार्तालाप है वो तो चलता ही रहता है, पर कंजर्वेशन पे हम लोग इस बार एक महीने का हर साल फोकस्ड वे में करते हैं, दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस।
प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने खुद ही एक्सेप्ट किया, उन्होंने वही सवाल भी पूछा था कि अगर कोई कोई रूल या कोई गाइडलाइंस अगर इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होती है तो फिर क्या पेनाल्टी है, क्या प्रोविजन क्या है उसके खिलाफ? उसके खिलाफ हमारा जो मार्केट डिसिप्लिन गाइडलाइंस हैं जो कि पब्लिक डोमेन में भी हैं, हर एक सरकारी कंपनी के वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे वो दी हुई हैं। हर एक गाइड वो मत बताइए वो क्या गाइडलाइंस, वो छोड़ दीजिए, प्रोविजन क्या है पेनाल्टी का, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो सारी चीजें उन्होंने कहा वो तो सही है, आपको पता है पहले से गाइडलाइंस, अगर वो स्पेसिफाई करना कंपलसरी है, बात इम्प्लीमेंटेशन की हो रही है जो आपने कुछ स्वीकार किया है कि इम्प्लीमेंट करने में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसका प्रोविजन क्या है पेनाल्टी का, क्या उनको क्या आप ताकीद करते हैं, क्या पेनल एक्शन लेते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। इनका जो सवाल है कि वो फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, वर्ड का विजुलाइज होना चाहिए, तो वो तो अभी तक हमारी किसी भी कंपनी ने बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज में दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम उनका सजेशन आया है, वी विल इंप्लीमेंट दैट। जैसा आरटीओ का रूल है कि हाँ, फुट से वो नंबर दिखना चाहिए, वैसा आपका भी गाइडलाइन वैसा उनको देना चाहिए, ऐसा हमारा गाइडलाइन है जीरो को देखने इंश्योर करने के लिए, जो आप बोल रहे हैं ना हर एक उसमें इंश्योर जीरो बिफोर फ्यूलिंग वो वाला है, पर आपका जो क्वालिटी के बारे में जो मैंने डेंसिटी के बारे में बताया वो वर्ल्ड लाइटर में होना चाहिए, वो वैसा अभी तक हमारी तरफ से ही नहीं है, वो हम लोग उसको देखते हैं उसको कैसे कहाँ पे कितनी जगह पे हम लोग, मान लीजिए 730 मॉर्निंग था, आपने देखा 735 आया, मैच नहीं कर रहा है, उसी टाइम पे वो पेट्रोल पंप बंद होगा, उस पेट्रोल पंप को उसी टाइम पे सेल और सप्लाई बंद होगा, उसके सैंपल निकाले जाएंगे, उसके सैंपल लैब में भेजे जाएंगे, जब तक सैंपल का रिपोर्ट नहीं आया, अगर सैंपल पास हो गए तो वो चालू होगा, अगर सैंपल फेल हो गए तो वो पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, ये एक कानून आपको बता दिया। अगर आप मेरे को और कुछ पूछेंगे तो मैं वैसा बताऊंगा, कुछ केसेस में वार्निंग्स हैं, कुछ केसेस में डायरेक्ट पेनल्टीज हैं, कुछ केसेस में डायरेक्ट टर्मिनेशन है, क्रिटिकल मेजर एंड माइनर तीन तरह की इलेवेबिलिटी है, क्रिटिकल अलग हैं, क्रिटिकल में कुछ भी नहीं है उसमें फर्स्ट इंस्टेंट पे ही टर्मिनेशन है, जैसे कि आपने जो बताया डेंसिटी मिसमैच, अगर वो सैंपल फेल हो जाता है लैब में तो कुछ भी नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, डेट आउटलेट विल बी टर्मिनेटेड। वैसे अगर दूसरा है जैसे उन्होंने बताया कि सेल्स ऑफिसर का लीवर डेंसिटी का वो लगा ही नहीं है, तो दैट इज वो फर्स्ट इंस्टेंट पे वार्निंग है, फिर भी एक बार भी वार्निंग देने के बाद नहीं होता देन 10,000 रुपीज़ पेनल्टी, ऐसा है, तो क्रिटिकल मेजर एंड माइनर पे इसको बाइफरकेशन किया गया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।